दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में रसोई गैस कनेक्शन वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गैस कंपनी ने अगस्त महीने के लिए सिलेंडर के दामों का ऐलान कर दिया है। तो आपको बताएंगे कि कितना बदलाव हुआ है गैस सिलेंडर की कीमत में। साथ ही दोस्तों आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो बताएंगे आपको अनलॉक 3 के तहत देश के किन किन गतिविधियों में छूट मिलेगी और किन पर पाबंदी जारी रहेगी, तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों साउथ चाइना सी को लेकर भारत के समर्थन में उतरा ऑस्ट्रेलिया चीन को लेकर दिया है बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस देश के साथ मिलकर सिर्फ 30 सेकंड में होगी कोरोना केस की जांच। इसी के साथ दोस्तों आज से लागू हो गए हैं 5 और नियम। जी हां, आपको बताएंगे इन नियमों के बारे में ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि पिछले 3 महीनों में क्या आपने भी फ्री में गैस सिलेंडर का फायदा उठाया है या नहीं, जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, इजराइल ने भारत में 4 तकनीक पर शुरू किया ट्रायल, 30 सेकंड में मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भारत के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट विकसित कर रही इजरायली वैज्ञानिकों की एक टीम ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल सफल रहा तो महज 30 सेकंड में कोरोना की रिपोर्ट हासिल की जा सकेगी। बता दें कि इजरायल के वैज्ञानिक 30 सेकंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए राम मनोहर लोहिया में 4 तकनीकों का मूल्यांकन कर रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए अपनाई जा रही इस नई तकनीक के ट्रायल में 10,000 लोगों का 2 बार टेस्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, 3 राजधानियों वाला पहला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन ने शुक्रवार को राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्लान को मंजूरी दे दी है। इस साल की शुरुआत में जगमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यवाही राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। साउथ चाइना सी में भारत के समर्थन में आया ऑस्ट्रेलिया चीन को लेकर कही ये बात। जी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओफरेल ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के अस्थिरता लाने वाले प्रयासों पर की गई अपनी टिप्पणियों का विरोध करने पर भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग पर शुक्रवार को पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग को उन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो क्षेत्र में यथास्थिति को एक पक्षीय तरीके से बदल सकती है। ओफरेल ने गुरुवार को कहा कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की अस्थिरता लाने वाली और तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से ऑस्ट्रेलिया अत्यंत चिंतित है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 31 अगस्त नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर, DGCA ने लिया ये फैसला। जी दोस्तों, एविएशन रेगुलेटर यानी DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की अंतिम डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। हालांकि DGCA का यह प्रतिबंध इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस और DGCA द्वारा मंजूरी प्राप्त करने वाले फ्लाइट्स के लिए लागू नहीं होगा। साथ ही DGCA ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट की सस्पेंशन अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। यह 31 अगस्त रात 11:59 तक के लिए लागू होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान की राजनीति में बड़ा मोड़, सीएम गहलोत के समर्थक विधायक 14 अगस्त तक के लिए जैसलमेर शिफ्ट। जी दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जैसलमेर के सूर्यगढ़ में पहुंच चुके हैं। इससे पहले ये विधायक जयपुर के फेयरमोंट होटल में रुके हुए थे। अब आने वाले 2 हफ्तों के लिए प्रदेश की सियासत का नया हॉट स्पॉट राजधानी जयपुर के स्थान पर पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर होगा। वैसे ये खबर पहले आ चुकी थी कि जयपुर के समीप लग्जरी होटल में बंद कांग्रेस और उसके समर्थक अन्य विधायकों को शुक्रवार को चार्टर प्लेन के जरिए जैसलमेर शिफ्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, कंपनियों ने जारी किए LPG सिलेंडर के दाम, आम लोगों को मिलेगी राहत।
जी दोस्तों, अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत देकर आई है, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 594 रुपए पर स्थित है। साथ ही अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी स्थिर है। हालांकि जुलाई महीने में इसकी 4 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी। वहीं से पहले जून के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 11.50 रुपए महंगी हो गई थी। वहीं मई में 162.50 रुपए तक ये सस्ता हो गया था। साथ ही 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में बिना बदलाव की 1135.50 रुपए पर स्थिर है। वहीं कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1197.50 रुपए से बढ़कर 1198.50 रुपए पर आ गई है। साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1090.50 रुपए से बढ़कर 1091 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। साथ ही देश के चौथे बड़े महानगर चेन्नई में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1255 रुपए से घटकर 1253 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद वाहन पोर्टल पर BS4 वाहनों को अपलोड करने से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को और वक्त दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने वाहनों की बिक्री की इजाजत देने संबंधी याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम ऐसे वाहनों को वापस लेने का आदेश क्यों जारी करें, जब कंपनियों को इसकी समय सीमा के बारे में पता था, उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। वहीं पीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए भी वक्त दिया है। साथ ही नए आदेश के तहत BS4 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक BS4 व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ना करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। जी दोस्तों, 1 अगस्त से कई वित्तीय परिवर्तन होने जा रहे हैं। कई चीजें सस्ती होने जा रही है, कोई चीजें महंगी होने जा रही है। आइए आपको बताते हैं आपके पैसों से जुड़ी कौन सी चीजें बदल जाएंगी। ऐसे में अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता। जी दोस्तों, मोटर वाहन बीमा बदलने से नई कार या बाइक खरीदना अगले महीने से थोड़ा सस्ता हो सकता है। इससे कोरोना अवधि में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं इडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस पर कम पैसे खर्च करने होंगे। न्यूनतम बैलेंस में होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त यानी आज से कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगी पीएम सम्मान निधि की योजना की राशि। जहाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटे जोत वाले किसानों के लिए पीएम किसान योजना पेश की थी, जिसके तहत किसानों के खाते में 5वीं किस्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 6ठी किस्त भेजने जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट की उत्पत्ति देश के बारे में देनी होगी जानकारी। जी दोस्तों, 1 अगस्त से ई कॉमर्स कंपनियों को ये बताना आवश्यक होगा कि वे जिस उत्पाद की आपूर्ति करा रहे हैं वे कहां बनाया गया है। लेकिन कई कंपनियों ने पहले ये जानकारी देना शुरू कर दिया है। एटीएम से निकासी पर चार्ज। जी दोस्तों, अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त से 5 निकासी के बाद हर निकासी पर चार्ज देना होगा। 1 महीने में एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज से पूरे देश में लागू हुआ अनलॉक 3, जाने क्या रहेगा खुला और किन पर रहेगी पाबंदियां। जी दोस्तों, देश में आज से अनलॉक 3 लागू होने जा रहा है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह खुल चुके हैं। वहीं अब आज यानी 1 अगस्त से अनलॉक 3 की तैयारी है। अलग अलग राज्य अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। वहीं अनलॉक 3 के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक बाहरी गतिविधियों को काफी हद तक खोला जाएगा। वहीं एक नज़र डालते हैं कि किन किन चीजों पर पाबंदी हटा दी गई है, साथ ही किन चीजों पर पाबंदी जारी है। अनलॉक 3 में इनसे हटेगी पाबंदी।
जी हाँ दोस्तों, रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा योग संस्थानों, जिम को 5 अगस्त 2020 से शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। इन जगहों पर मास्क, सामाजिक दूरी सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को अनुमति दी गई है। इसके साथ व्यक्तियों के सामानों के साथ राज्य के अंदर और बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखा गया है। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।